व्युत्पत्ति की पाठशाला में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जो चल रही है बातचीत चल रही है भौतिक गणित पर, वो गणित जो भौतिकी पढ़ने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो अब तक हम वृत्त की समीकरण पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो है परवलय की समीकरण। परवलय क्या होता है? जैसा कि आप देखिए कि कभी किसी आपने ऑब्जेक्ट या वस्तु को फेंका तो वो एक पथ पर चलता हुआ जाता है, कुछ इस तरीके का पथ होता है, जैसे कि मेरे पेन का मूवमेंट आप देख सकते हैं, तो इसे परवलय कहा गया। इंग्लिश में बच्चों इसे पैराबोला कहते हैं। पैरा मतलब से, बोला मतलब फेंका हुआ, जो हवा में फेंका हुआ, यानी कि किसी वस्तु को जब हवा में फेंकते हैं, किसी कोण पर फेंकते हैं, तो वह वस्तु जिस पथ को बनाती है उसे परवलय कहते हैं। तो आइए परवलय देखते हैं और किस तरीके से परवलय हमारे लिए भौतिकी में उपयोगी होगा जानते हैं। अब देखिए परवलय कैसे बना, क्या परवलय की परिभाषा है, इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए, आपको जैसे जानते हैं कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके y एक्सिस होती है, यहां पर x एक्सिस होती है इस तरीके से, और इस तल में अनंत बिंदु हैं। भाई ये जो एक्स वाई तल है, ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से, तल है एक्स वाई तल, इस तल में अनंत बिंदु हैं। अब क्या करा कि एक रेखा ले ली मैंने, एक रेखा खींची, सीधी सरल रेखा बिल्कुल मेरी तरह, और एक बिंदु, निश्चित बिंदु ले लिया। इस सीधी सरल रेखा को नियता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नियता कहते हैं, नियता कह दिया। इंग्लिश में से बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये जो मैंने निश्चित बिंदु लिया, निश्चित बिंदु जो लिया, बच्चों इस निश्चित बिंदु को नाभि बोलते हैं, परवलय की नाभि, और इंग्लिश में इसे फोकस बोलते हैं, फोकस, ठीक, फोकस, फोकस। अब इसको मैंने एफ कह दिया और इस लाइन को डी कह दिया, डायरेक्ट्रिक्स। अब इस देखो, इनके बीच में ऐसे अनंत बिंदु होंगे, इस तल में ऐसे अनंत बिंदु होंगे, जैसे कि मैंने कोई बिंदु ले लिया यहां पर एक्स कॉमा वाई, तो ऐसे अनंत बिंदु होंगे जो इस रेखा से दूरी जिनकी और इस बिंदु से दूरी समान होगी। ये पी बिंदु है, ये इस तरीके से है कि इसकी रेखा डायरेक्ट्रिक्स, नियता से और नाभि से समान दूरी है। तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि मैंने ऐसे सारे बिंदु ढूंढे, उन्हें डब्बे में बंद कर दिया और कह दिया एक सेट है, समुच्चय, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय मिलकर एक परवलय बनाता है। तो देखिए आप, जैसे कि आपको एक उदाहरण या चित्र में देख सकते हैं, जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा है, ये किस पे है, ये बच्चों परवलय है, ये है परवलय, ठीक। अब आप देखिए परिभाषा पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा, जैसे कि मैंने बताया आपको, सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी रखता है, यानी कि ये बिंदु P रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। अब निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहा गया और निश्चित बिंदु को नाभि या फोकस कहा गया, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया था, परवलय का मतलब क्या था, परा, पैरा मतलब होता है से, बोला मतलब फेंका हुआ, जो हवा में फेंका हुआ पथ बने, किसी वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो जो पथ बनता है उसे पैराबोला कहते हैं। आइए चीजों को समझते हैं कि पैराबोला या परवलय के क्या क्या बिंदु हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो देखिए आप देख सकते हैं ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपकी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के ऊपर जैसी आकृति बन रही है वैसे ही नीचे भी बन रही है, तो ये सममित एक्स अक्ष है। सममित का मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, उसके अबाउट या उसके ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति है, तो इसे सममित अक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। तो ये सममित अक्ष है, जहां पर परवलय का कुछ इस प्रकार की, यानी कि चपटा सा हो जाता है, उस प्रकार की आकृति बनती है, इसे हम परवलय का शीर्ष कहते हैं, या फिर जहां पर परवलय बंद होता है। अब बात को समझे, जहां पर परवलय बंद होता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप शीर्ष देख सकते हैं, ये शीर्ष है परवलय का, ये नाभि जो हमने पढ़ा था नाभि, ये है नियता आपकी डायरेक्ट्रिक्स,
और ये है सममित अक्ष। तो ये हुआ परवलय के कुछ कुछ बिंदु। तो क्या क्या बिंदु है? पहले होती है नियता, जानते हैं सभी नियता क्या होती है, शीर्ष जहां पर परवलय बंद होता है, यहां पर चपटा सा हो जाता है, वो शीर्ष है। देखिए हमें भौतिकी के हिसाब से पढ़ना है, गणित में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। और आपको नाभि पता चल गई, शीर्ष पता चल गया, अक्ष पता चल गया। अब परवलय की समीकरण को पढ़ते हैं। तो परवलय का प्रमाणिक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैरबोला परवलय क्या है, आइए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, लेकिन अगर मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है बच्चों, जहां पर आपका वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष एक दूसरे को काटता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा गया। तो वो परवलय की समीकरण बहुत आसान होती है जिसका मूल बिंदु पर शीर्ष होता है। तो आप देखिए ये परवलय है, इसका शीर्ष जो है बच्चों मूल बिंदु पर है, ठीक है। अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब कुछ तरीके की इक्वेशंस है, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक समीकरण ये है जो परवलय को प्रदर्शित करती है, यानी कि x और y की मैं भिन्न भिन्न मान रखूं, या a का एक निश्चित मान है और x के भिन्न भिन्न मान रखने पर y के मुझे भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो समीकरण है वो एक परवलय को प्रदर्शित करती है, और वो परवलय कैसा है आगे देखेंगे। फिर इसी तरीके से y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, इसी तरीके से आपका हो जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। बहुत आसान चीजें हैं। तो भिन्न भिन्न समीकरण को देखते हैं बच्चों कि कैसे भिन्न भिन्न समीकरण हमारी बनेंगी। तो आप देखिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली जो समीकरण है ना, इसमें नाभि जो होती है परवलय की वो होती है ये वाला a कॉमा 0, ठीक। इसका सममित अक्ष यानी कि सिमेट्रिक एक्सिस, जिस अक्ष के अबाउट क्या, जिसके आसपास आकृति एक समान है, जिसके दोनों तरफ आकृति एक समान है, सममित अक्ष, तो वो है एक्स अक्ष। तो इसका एक्सिस हो गई या अक्ष हो गया इस परवलय का, एक्स अक्ष हो गया बच्चों। इसकी नाभि हो गई, नाभि भाई नाभि तो एक बिंदु है ना, और बिंदु के एक होते हैं कोऑर्डिनेट, तो नाभि हो गई इसकी a कॉमा 0 पर, ठीक है। नियता कितनी है? तो नियता जो है वो एक रेखा है, और रेखा की समीकरण यहाँ आती है x बराबर माइनस a। तो यह है नियता की समीकरण है, नियता रेखा की समीकरण है। अब बात करें, अगर नेता हमें पता चल गया, नेता की समीकरण जान ली, इसका शीर्ष कहाँ है? ध्यान से देखिए शीर्ष का है, शीर्ष कहाँ है तुरंत देखो, शीर्ष तो यहाँ है जहाँ पर दोनों अक्ष काट रहे हैं। तो शीर्ष इसका हो गया मूल बिंदु, तो शीर्ष हो गया बच्चों मूल बिंदु। छोटी छोटी बातें करनी है अभी हमें, सब कुछ समझना है कि क्या क्या होता है, जितना आवश्यक है उतना ही जानेंगे, पूरे गणित में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें और भी अध्ययन करना है। अब देखिए एक परवलय आपके सामने है, देखिए इसमें ना इसका जो अक्ष हो गया है बच्चों कैसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स अक्ष। तो यानी कि यहां पर माइनस का एक्स आने वाला है, चीजें पहली जैसी थी पर माइनस का एक्स आने वाला है। तो बस इस परवलय की जो समीकरण होती है, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। तो एक बात समझ में आई, जो इधर 4a के साथ होता है ना वो अक्ष बता रहा होता है, एक्स है तो एक्स है, नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष इसका एक्सिस हो गया, सममित अक्ष हो गया, सिमेट्रिक एक्सिस हो गई, मूल बिंदु। ऐसी समीकरण का जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर ही स्थिर होता है, तो इसका जो शीर्ष है वो है मूल बिंदु पर बच्चों। अब इसकी नियता, तो देखो पहले थी x बराबर माइनस ए, अब माइनस का x हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर a ऐसे याद रख सकते हैं। तो x बराबर प्लस a एक रेखा है जिसकी जो प्रदर्शित करती है इस परवलय की नियता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। नाभि क्या है? पहले क्या था, x बराबर a नाभि की, x बराबर
ए और वाई बराबर जीरो नाभि की थी, अब माइनस एक्स हो गया है, तो एक्स बराबर माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए और वाई बराबर जीरो, या मैं कहूँ माइनस ए कॉमा जीरो, बिल्कुल उल्टा हो गई ये चीज़ें, जो प्लस वाले की थी उसकी जस्ट अपोजिट हो गई। मैं कहूँ दर्पण में जिस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाता है उसी तरीके से यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है दूसरा परवलय पहले वाले परवलय का। तो बहुत आसानी से हमें समझ में आता है बच्चों। तो देखो यहां पर जो नाभि होगी, नाभि होगी बच्चों माइनस का ए कॉमा जीरो, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस। सारी की सारी चीजें नोट करते जाओ, मेरे पास नियता की समीकरण है, फोकस की समीकरण है, सममित अक्ष पता है, सममित अक्ष या सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस इसका हो गया बच्चों माइनस का एक्स अक्ष या एक्सिस, ठीक है, आसान है ना एकदम। और देखिए एक और समीकरण हो जाए इसी बात पे, ये वाली सोचिए कौन सा किसके दोनों तरफ समान है, वाई, तो यानी कि दूसरी 4ay के साथ आएगा, लिख लिया फटाक से लिखा, ये 4ay होगा और बचा क्या एक्स, तो एक्स का स्क्वायर होगा। तो ये देखो देखने को मिली आपको नीचे एक्स स्क्वायर 4ay, बिल्कुल आसान। अब देखो ये वाई है ना, तो इसकी नाभि किस पे है, वाई अक्ष पर रहेगी, तो वहां पर एक्स जीरो था, यहां पर वहां पर वाई जीरो था, माफ कीजिए वहां पर वाई जीरो था, यहां पर एक्स जीरो हो जाएगा, तो इसकी नाभि जो होगी वो होगी वाई एक्सिस पे, जहां पर एक्स हमेशा शून्य होता है, तो इसलिए नाभि के जो कोऑर्डिनेट होंगे या निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, a। आसान था एकदम समझना। अब बताओ नियता, नियता कहाँ होगी, नियता तो देखो शीर्ष इसका कहाँ पर है, शीर्ष तो मूल बिंदु पे है और नियता उसके पीछे आती है हमेशा, तो नियता होगी इस बार किसके, देखो ये है इसकी नियता, नीले रंग से आप देख सकते हैं ये नियता है, और नियता किस अक्ष के समांतर है, नियता एक्स अक्ष के समांतर है, तो नियता की जो समीकरण हो गई या डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण हो गई वो हो गई वाई बराबर माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण हो गई, नेता की समीकरण हो गई, ठीक है, सारी बातें आसान है। इसका शीर्ष बिंदु कौन सा है, शीर्ष बिंदु स्थिर है इसका बच्चों कहां पर, मूल बिंदु पर, शीर्ष बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। अब क्या बचा, सममित अक्ष, सोच के बताओ किसके अबाउट एक जैसा, किसके दोनों तरफ एक जैसा, भाई वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष हो गया सममित अक्ष। ठीक, बहुत आसान। अब बताओ नीचे चला गया, ऋणात्मक हो गया है तो वाई का, तो इसकी जो इक्वेशन होगी 4a किसके साथ आएगा, 4a आएगा माइनस के वाई के साथ, तो ये माइनस का वाई, बचा क्या x, तो उसका वर्ग करके लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay इस परवलय की समीकरण होगी, देख सकते हो आप लोग। अब सारी चीजें जो ऊपर वाले की थी ना उसकी उल्टी हो जाएंगी, माइनस लगा दो सबने, तो नाभि ऊपर वाले के लिए थी 0, a, अब नाभि हो जाएगी 0, a, तो नाभि हो गई 0, a, नाभि हो गई। नेता कहाँ हो जाएगी, नेता देखो जैसे ऐसे करके परवलय ना, तो परवलय का मूल बिंदु पर है शीर्ष, तो नेता इसके आगे रहती है, कितना a आगे रहती है, तो यहां पर y इज इक्वल टू a, x अक्ष के समांतर नेता हो गई, तो आपकी नेता हो गई x अक्ष के समांतर तथा नेता के सूत्र हो गया y इज इक्वल टू a, ठीक है, सममित अक्ष, सममित अक्ष हो गया आपका, यानी कि सिमेट्रिक एक्सिस हो गई, माफ कीजिएगा सममित अक्ष, तो सममित अक्ष आपका हो गया बच्चों y इज माइनस का y, माइनस का y इधर और इधर दोनों तरफ एक जैसा है, और खुल कर रहा है जहां पे सममित अक्ष वो है जहां पे खुल रहा होता है, जिस साइड में खुल रहा हो ऐसे करके, तो वो कौन सा है, माइनस का वाई अक्ष।
तो आज इस वीडियो में हमने परवलय क्या होता है ये जाना, परवलय के क्या क्या बिंदु होते हैं ये जाना, और परवलय की किस प्रकार की समीकरण है और उसका किस प्रकार की आकृति बनती है ये जाना। आगे परवलय की समीकरण में 2-4 सवाल करेंगे और परवलय खत्म, जितना आवश्यक है उतना सीखेंगे। अब लेकिन सबसे पहले काम क्या, अब एक काम बचा है, एक तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, दूसरा पॉइंट सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है। चलो बाय।